सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। शुरू करने से पहले बता दूं, जो लोग एनटीयू यूसीनेट या सीएसआईआर यूसीनेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अन अकेडमी कमाल के बैच है, जो क्लासेस तो लेकर के आता रहता है, लेकिन अभी अब मैं बता दूं एक चीज है कि प्राइस हाइक होने वाला और ये बहुत ही जल्द होने वाला। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कितने डिफरेंस है प्राइस में, 24 मंथ का प्राइस में कितना बढ़ जाएगा, 12 महीने में कितना बढ़ जाएगा, 6 महीने के की सब्सक्रिप्शन पे कितना बढ़ जाएगा और 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे कितना बढ़ जाएगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये सब्सक्रिप्शन बढ़े ना, आप लोग के लिए जो मैं स्पेशल डिस्काउंट लेकर के आया हूँ, जो मेरा कोड है करियर10, उसको यूज करके आप 10% का एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हो और ये कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। अब एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो जो अन अकेडमी है इंडिया के बेस्ट फैकल्टी यहाँ बैठ करके पढ़ाते हैं, इंडिया के बेस्ट फैकल्टी गाइडेंस में आप पढ़ोगे, लाइव टेस्ट होता है, आपको अपनी रैंकिंग पता चल जाएगी, लाइव लीडर बोर्ड टेस्ट होता है, डाउट क्लियरिंग सेशन है कि आस्क योर डाउट का फीचर है कि कोई भी कन्फ्यूजन हो आप अपना उस पर स्क्रीनशॉट लेकर के अटैच करके भेजिए, वो आस्क डाउट का फीचर का भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो जाइए आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो जो प्राइस हाइक होने वाला उससे आप बच सकते हो। तो प्रिपरेशन को अपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए आई थिंक ये बेस्ट तरीका है, और आज ही जाए अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, दोस्तों को भी पता चल सके, और ये CSIR और NTU यूसीनेट का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कोड दे रहा हूँ, एक बार जा करके इसका यूटिलाइज करके आज सब। अच्छा, अब कल यूपी में एक बड़ी घटना हुई और ये घटना ये है कि यूपी बोर्ड का इंग्लिश का पेपर जो है वो लीक हो गया। अब देखो इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है, और पेपर लीक का मैटर कहीं ना कहीं स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेट करता है। मैं भी अगर स्टूडेंट होता और पेपर लीक होता, क्योंकि हम पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, जब हम पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं और इस तरह से पेपर लीक हो जाता है, जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं उसको क्या बताया जाए। जब पेपर लीक होता तो चीज़ें ऑब्वियसली समझ से बाहर हो जाती हैं, आपकी पूरी मेहनत, स्ट्रेटजी, प्लानिंग सब फेल हो जाती है। दोबारा पेपर देने में ना भी स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं क्या है, कैसे देंगे, क्या करेंगे, जो प्रिपरेशन हो ही रहती है वो भी भूलने लगता है, तो माइंडसेट बड़ा निगेटिव माइंडसेट हो जाता है। ऑब्वियसली कहने का मतलब ये है, अब देखो पेपर लीक हो गया तो उसमें होपलेस मत होइए, अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अभी जो आगे है उसको आप लोग देखिए कि पेपर फिर से होगा और पेपर की नई डेट भी अनाउंसमेंट होगी, और आप लोग होपलेस मत होइए कि किस तरह से चीजें होंगी। अपनी प्रिपरेशन अगर आपने की हुई है तो हो सकता है कि इस बार के पेपर से और अच्छा पेपर हो जाए, ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लीजिए। दूसरा है MTS और DRDO का एग्जाम डेट जो है वो कैंसिल हो गया है। अब थोड़ा सा देखो गवर्नमेंट एग्जाम में थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना पड़ेगा, DRDO और MTS जैसे एग्जाम जो है वो कैंसिल जब होते हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट डीमोटिवेट होता है, खास करके जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वालों के लिए ना देखो बहुत टफ होती है राय, इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि वो एफर्ट बहुत अच्छा डालते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में, दिन रात एक करके गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं, तो जब इतना टाइम प्रिपरेशन करते हैं, इतनी सारी चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का फैक्टर ज़रूर होना चाहिए, और इस तरह से एग्ज़ाम कैंसिल होना कहीं ना कहीं दिखाता है कि स्टूडेंट होपलेस हो रहे हैं, और उसमें मैं यही चाहूँगा कि एग्ज़ाम ना कैंसिल हो तो बेटर है, और स्टूडेंट के फेवर में जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो हो, क्योंकि पहले की जो चीज़ें हुई हैं वो सेम चीज़ें अगर रिपीट होंगी तो गवर्नमेंट को कुछ एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा और उस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब जो यूपी बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हुआ है, मतलब पेपर लीक हुआ जिसकी वजह से एग्जाम कैंसिल हुआ, बहुत सारे स्टूडेंटों ने प्रॉब्लम फेस किया और मेरे को मैसेज आने लगे सर वीडियो बनाइए स्टूडेंट के सपोर्ट करिए। मैं हमेशा स्टूडेंट के साथ हूँ, स्टूडेंट के अलावा और कुछ नहीं है, स्टूडेंट ही सब कुछ है मेरे लिए, क्योंकि मेरे व्यूअर, मेरे जो चैनल पे आप लोग जुड़े हुए, आप लोग जो चाहते हो वही मैं कंटेंट बनाता हूँ, आप लोगों के अकॉर्डिंग ही ये चैनल चलता है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा बुरे वक्त में भी अच्छे से लाइफ जीना सीखो। कभी कभी होती है हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाती, परफेक्ट नहीं हो पाती, अब इन माफियाओं को कौन रोक पाएगा, क्योंकि इनका काम ही होता है पेपर लीक करना और सारी चीज़ें करना, तो इनको रोकना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसा है गवर्नमेंट एक्शन ले रही है और इस बार योगी सरकार है यूपी में, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी चीज़ें हाथ से नहीं निकलेंगी, और आप लोग अपना भरोसा कायम रखिए, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखिए और होपलेस मत होइए, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हो, और जो लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, करियर अड्डा चैनल टेलीग्राम पे भी, और वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें, वीडियो में लिंक दे रहा हूँ। थैंक यू।